बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू TSC। मैं हूँ अदील मंसूर। व्यूवर्स, हम उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। आज हम आपसे बात करेंगे होम्योपैथिक की बायोकेमिक मेडिसिन नेट्रम फॉस्फोरिकम 6S के बारे में। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। व्यूवर्स, नेट्रम फॉस बायोकेमिक सॉल्ट है। होम्योपैथिक में बहुत से बायोकेमिक सॉल्ट इस्तेमाल होते हैं। उनमें से एक नेट्रम फॉस खास तौर पे सीने में जलन और खाने के बाद होने वाली सिम्टम्स के लिए काफ़ी मुफीद है। अगर आप खाने का बहुत शौक रखते हैं और चटपटे मसालेदार खाने खाते रहते हैं तो ऐसे खानों से अमूमन एसिडिटी की शिकायत बढ़ जाती है। ऑयली खाने और मीठा खाने से भी एसिडिटी हो जाती है। शुगर के मरीजों में भी सीने में जलन, भारीपन और डिकार का ज़्यादा आना कॉमन मसला है। एसिडिटी यानी तेजाबियत ज़्यादातर मिर्च मसाले, गोश्त या ऑयल और पनीर जैसे भारी चीज़ों से होती है। इन प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट के लिए नेट्रम फॉस्फोरिकम बेहतरीन दवाई है। व्यूवर्स, वीडियो में तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक अहम बात, अगर आप पढ़ने का शौक रखते हैं तो मॉलेज हेल्थ मैगजीन की फ्री मेंबरशिप हासिल कीजिए। ये बिल्कुल फ्री है। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, शहर का नाम लिख के व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने मॉलेज मैगजीन अपने मोबाइल पर पढ़िए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अब हम आपसे नेट्रम फॉस की सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं कि किन मरीजों के लिए ज़्यादा सूटेबल है। खास तौर पर जबान का पीलापन और जिन लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें मुँह के अंदर येलो लेयर बन जाती है और हाइपर एसिडिटी भी इस मेडिसिन के लिए इंपॉर्टेंट सिम्टम है। इसके अगर हम डोज की बात करें तो 6X पावर की आप 4 गोलियां सुबह और शाम इस्तेमाल करें और उसको 15 दिन तक इस्तेमाल कीजिए। 15 दिन यह दवाई लेने के बाद आपको फर्क महसूस होगा। आप देखेंगे कि सीने में जैसे पहले जलन होती थी उसमें काफी कमी वाकई हो चुकी है। इसके बाद आप इसे 3-4 महीने इस्तेमाल करेंगे तो एसिडिटी का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। अगर जिगर खराब हो रहा हो तो नेट्रम फॉस उसमें अर्ली दी जा सकती है। लिवर की अर्ली सिम्टम्स में जॉन्डिस सबसे कॉमन सिम्टम होती है। इसके लिए नेट्रम फॉस 3X पावर में ले सकते हैं जिससे जॉन्डिस में कमी वाकई होती है। इसकी 4 गोलियां दिन में 3-4 बार की जा सकती हैं, फिर फर्दर टेस्ट के बाद आप फर्क देख सकते हैं और उसके हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो के आखिर में हम आपसे चंद मजीद वीडियो शेयर करेंगे जो आपने इंटरेस्ट के मुताबिक देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।